इसके बारे में आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि एक पलायन की जो स्थिति थी, तो युवा जो है उत्तराखंड के युवा खासकर अभी जो कोरोना संकट में बड़ी संख्या में वापस लौट कर आए अपने गांवों की तरफ, अपने शहरों की तरफ, और उन्हें वापस ना जाना पड़े, पलायन की स्थिति ना आए और वो राज्य में ही अच्छे से जीवन यापन कर सके राज्य में रहते हुए, इसके लिए क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा? साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके अंतर्गत क्या कुछ विशेष अभियान चलाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा? और यदि कोई युवा इस दिशा में आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, इस पर कृपया अपने विचार रखें। पुनीत भाई, जब हम कोरोना के संकट काल से गुजर रहे थे तब देश के हर शहर में हमारे उत्तराखंड के भाई वहां विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलिप्त थे या इस प्रकार की नौकरी कर रहे थे, और जब हमने उनको अपने राज्य में बुलाया तो वो संख्या लाखों में थी, कई लाख, 3 लाख तो हम अपने संसाधनों से लाए हैं। जो अपने संसाधनों से आए होंगे वो अलग। हमने प्रत्येक डीएम्स को उस समय एक निर्देश दिए कि आप एक तैयार करिए सूची, किस प्रकार के जो लोग आए हैं व्यवसाय में हमारे सम्मिलित थे, वो अपना छोटा व्यवसाय करते थे, होटल का व्यवसाय करते थे, इंडस्ट्री लगाते थे, छोटी इंडस्ट्री लगाते थे, किसी इंडस्ट्री में काम करते थे, सर्विस। हमने पहले तो उनमें से सर्विस वालों को अलग करके एक ऐप बनाया, उस ऐप पे उनका सारा बायोडाटा डाल के और अपनी जितनी इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्री के माध्यम से कहा कि आपको छोटा, आपको फोर्थ क्लास का चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, आपको आईटीआई चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, वो हमारे राज्य में इस रूप में उपलब्ध है, आप वहां से उसको ले सकते। हमने दूसरी सूची तैयार की है कि वो लोग जो छोटा व्यवसाय करते थे, उसके लिए हमने, मैंने पहले कहा कि आत्मनिर्भर भारत का भी हमने सहयोग लिया, जो प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को, सभी राज्यों को उसका लाभ मिला है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत से भरपूर सहयोग लेते हुए हमने उन युवा श्रेणी में हम 25% और 15% के बीच में उसको राज्य सरकार अलग से सब्सिडी देंगे। जो जो आत्मनिर्भर भारत की सुविधाएं वो अलग है, ये राज्य की सबसे सुविधा है। तो आप देखेंगे कि जो लोग हमारे आए थे उनमें से अभी तक काफी मात्रा में रुके हुए हैं। हमने जब ये आत्मनिर्भर भारत को और पूरे अपनी स्वरोजगार योजना को जोड़कर और उन लोगों को कहा कि आप आइए रोजगार से कैसे जुड़ेंगे, अभी तक हमारे पास लगभग 50,000 नौजवान या 50,000 ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हमने डीएम्स को कहा कि आप बैंकों के साथ बैठकर इनकी हर प्रकार की सहायता कैसे करें, अगर इनमें से 50,000 नौजवान हमारे आत्मनिर्भर भारत से जुड़ जाते हैं तो तब एक नौजवान 4 को भी रोजगार देगा, 5 को भी देगा, तो लाखों की संख्या में वो रोजगार से जुड़ेगा। इसके साथ साथ हमने अनेक प्रकार की छोटी योजनाएं चलाई हैं। अगर हम जानते हैं कि चाहे वो जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनसे लिंक करते हुए जो छोटे बिजली के काम करना चाहता है, बिजली उत्पादन के, उसके लिए 25 वोल्ट तक की, 25 किलो वाट तक के हम लगाएंगे तो उसके लिए बहुत कम खर्चा आएगा और वो सारे खर्चे की गारंटी राज्य सरकार लेगी और उसके लिए जो बचत होगी वो 10 से 15 हजार के बीच में होगी। ये टारगेट हमने 10 हजार का फिलहाल फर्स्ट पेज में हमने रखा है। हमने अपने राज्य में एक नई योजना शुरू की है कि हमने कहा है कि जो नौजवान, हमारा टूरिस्ट स्टेट है, यदि यहाँ हमने जो मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में मान्यता दी है उसका सारा इंटरेस्ट वो राज्य सरकार वहन करेगी। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने जो एमएसएमई की हमारी योजनाएं थी वो जो अपना इंडस्ट्री से बढ़ाना चाहता है या नई इंडस्ट्री में आना चाहता है उसके साथ साथ हमने जो अलग से योजनाएं थी, जो हमने अलग से व्यवस्थाएं दी है वो भी उसमें हमने जोड़ी है। तो आत्मनिर्भर भारत के कारण हमारे जैसे राज्य को इतना बड़ा फायदा पहुंचा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि शायद ये कल्पना हम लोगों ने की भी नहीं थी। तो आज आप देखेंगे कि उन लाखों लोगों को कैसे रोका जाए जो हमने पहले सोचा था, आज हम उनको कुछ सीमा तक, और मैं तो कहता हूं अधिकतम सीमा तक रोकने में अभी तक सफल हैं, और यदि वो हमारी इस योजना में शामिल होते हैं तो लाखों लोगों को उल्टे रोजगार देने का काम उनके द्वारा राज्य में होगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, कई विषयों पर आपने विस्तार से बात की, चाहे वो हरिद्वार का जो भी आने वाला महाकुंभ हो, कोरोना से कैसे सरकार ने लड़ा, या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को कैसे आत्मनिर्भर भारत से
लिंक करते हुए नए नए एवेन्यूज क्रिएट किए गए जिससे कि युवा रुककर अपना रोजगार स्वरोजगार कर सके और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके। आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में आपने समय दिया सर, हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जानकारी देने के लिए सर धन्यवाद आपका।